لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی، اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعوں میں بیمار دل کی علامات اور اس کی پہچان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو یہ بھی بیمار دل کی ایک علامت ہے. جب اس دنیا میں دنیا کے لوگوں سے ملنے کا جی چاہے، اللہ سے ملنے کا جی نہ چاہے، اللہ کی ملاقات یاد نہ ہو، تو یہ بھی بیمار دل کی علامت ہے. پھر اللہ کے ذکر کو جی نہ چاہے، لوگوں سے بات کرنے کو جی چاہے، اللہ کے ذکر سے دل گھبرائے، اللہ کے گھر سے دل گھبرائے، اللہ والوں سے دل گھبرائے، تو یہ بھی علامت ہے کہ دل بیمار ہے، دل میں کوئی روگ لگا ہوا ہے. اور پھر اس دل کے روگ کا جو علاج ہے وہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں کہ جو دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں، آخرت کا فکر رکھتے ہیں،
ऐसों की सोहबत को इख्तियार करें ताकि ये दिल के जो अमराज हैं, दिल की जो बीमारियां हैं, इससे नजात मिल जाए। ये महीना रजब का महीना है और रजब और शाबान के जो महीने हैं ये बरकत वाले महीने हैं। इसकी बरकत का हमें इस तरह से पता चलता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में इन अय्याम की बरकत का सवाल किया है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह रजब और शाबान की बरकतें हमें नसीब फरमा। तो पता ये चला कि इन अय्याम के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। जब भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में बरकत का सवाल फरमा रहे हैं और फिर उसके बाद ये अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, व बल्लिगना रमजान, कि या अल्लाह हमें रमजान तक भी पहुंचा दे। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्तियाक रमजान, रमजान का इश्तियाक, क्योंकि रमजान तमाम महीनों का सरदार महीना है, बरकतों वाला, बख्शिश वाला, मगफिरत वाला। तो अभी रमजान के आने में 2 महीने बाकी हैं, रजब का महीना शुरू होता है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां रजब और शाबान की बरकतों को तलब फरमाते हैं, वहीं पर अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें रमजान तक भी पहुंचा दे। पता ये चला कि रमजान का आना तो गैर इख्तियारी है, रमजान तो आता रहेगा, लेकिन हमारा रमजान में होना गैर इख्तियारी, न मालूम हम रमजान में होंगे या नहीं होंगे। तो अभी से अपनी तलब का इजहार कि या अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा ताकि उसकी इबादत की हमें तौफीक मिल जाए और उसकी इबादत के जरिए से अपने गुनाहों की माफी मिल जाए और अल्लाह आखिरत के कुछ दर्जात अता फरमा दे। लेकिन पहली बात जो है कि रजब और शाबान के महीने बरकत वाले महीने हैं, अगर इन अय्याम में बरकत ना होती तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में बरकत का सवाल ना फरमाते। अब सवाल यह है कि जमाना तो बरकत वाला है, मुबारक जमान है, बरकत वाला ये जमाना है, इन अय्याम की जो बरकत है वो हमें हासिल किस तरह से हो। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी के अंदर बरकत हो, उसके रिजक में बरकत हो, उसके माल में बरकत हो, उसके औकात में बरकत हो, औलाद में बरकत हो, उसके घर बार में बरकत हो। और हर आदमी बेबरकती का रोना भी रोता है, कहते जी आज बरकत नहीं है, आज पैसे में बरकत नहीं है, आज खाने पीने में बरकत नहीं है, आज वक्त में बरकत नहीं है, सारा दिन गुजर जाता है लेकिन सुबह से शाम तक आदमी कुछ कर नहीं पाता, तो बेबरकती का रोना भी रोते हैं और बरकत को के हुसूल की कोशिश भी करते हैं कि बरकत हासिल हो जाए। तो याद रखिए, बरकत को हासिल करने के 2 जराए हैं। बरकत के हासिल करने का पहला जरिया तो यह है इम्तिसाल अम्र, कि बंदा अल्लाह की इताअत और बंदगी में लग जाए। और अल्लाह की इताअत और बंदगी में लगना इख्तियारी है, गैर इख्तियारी नहीं। और बरकत के हुसूल का जो दूसरा जरिया इससे भी ज्यादा अहम है वह है इज्तिनाबे मासी, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से अपने आप को बचा ले। और आज जो मुआशरे के अंदर हमें बर्बादी नजर आती है, एक आलमी कसाद बाजारी नजर आती है और फिर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भी अगर देखें, हर शख्स परेशानियों का शिकार नजर आता है, महंगाई का, गिरानी का रोना रोता हुआ नजर आता है और गुजर बसर में किल्लत की शिकायत करता हुआ नजर आता है। जी गुजर बसर मुश्किल है, आज कैफियत ये हो चली है। लेकिन ये सारी बातें तो करते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि इस तकलीफ, इस परेशानी, इस मुसीबत के आने का सबब क्या है।
आखिर ये कसाद बाजारी पूरी दुनिया में किस वजह से आई? ये महंगाई, ये गिरानी एक अजाब बनकर क्यों मुसल्लत हुई? ये कभी जलजले आते हैं, कभी सैलाब आते हैं, कभी बारिशें आती हैं और तबाही और बर्बादी फेर कर चली जाती है। आखिर इनके आने का सबब क्या है? आज हम बातें तो बहुत मनाते हैं लेकिन उसके असबाब के अंदर गौर नहीं करते, और जब तक किसी बीमारी के सबब को मालूम ना किया जाए और सबब को मालूम करके उस सबब का इलाज ना किया जाए उस वक्त तक बीमारी से शिफा नहीं मिला करती। अतिब्बा क्या करते हैं? अतिब्बा जिस्मानी अमराज में यही तो करते हैं कि भाई इस बीमारी का सबब क्या है, उस सबब को तलाश करते हैं और उस सबब का इलाज जब करते हैं तो बीमारी का इलाज हो जाता है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम, कि जो मुसीबत तुमको आती है, जो तकलीफ तुमको आती है, जो परेशानी, नागहानी, आफात, बलियात, मुश्किलात जो भी तुम्हें पेश आती है, फबिमा कसबत अईदीकुम, फरमाया कि वो तो तुम्हारे आमाल के सबब से आती है, जो तुम करते हो उसी वजह से आती है, इसका कोई और सबब नहीं है। कि ये बीमारी, ये परेशानी, ये मुसीबत आखिर किस वजह से आ रही है? और ये अल्लाह का पाक कलाम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूकात की हालत को जानने वाले हैं, सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। अला यालमु मन खलक वहुवा लतीफुल खबीर, कि क्या वो पैदा करने वाला रब नहीं जानेगा? तो अल्लाह जानता है कि इस मखलूक की बीमारी क्या है और किस वजह से इसे सजा में मुब्तला किया जाता है, मुसीबतों में मुब्तला किया जाता है। उस सबब को अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो मुसीबत तुम पर आती है, जो परेशानी तुम पर आती है, वो मैं तुम्हारे करतूतों की वजह से आती है, जो तुम करते हो वो आती है। अब देख ले इंसान, अपना अपना जायजा ले ले कि भाई अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो कुछ अच्छा पाएगा, और अगर बुरा कर रहा है और बुरा करके अच्छे की तवक्को रखना, ये तो मुहाल है। कि जमीन में जैसा बीज इंसान डालता है वैसी ही वो फसल भी पाता है, और अगर जमीन के अंदर वो बीमार बीज डालता है तो बीमार बीज डालने के बाद कभी सेहतमंद फसल पैदा नहीं हुआ करती, फिर वो बीमार फसल होगी। और ये हमारे आमाल क्या हैं? ये हमारे आमाल की मिसाल भी बीज की है कि आज हम जो बीज काश्त कर रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, कल क़यामत के दिन इसकी फसल हमें तैयार मिलेगी। अब इंसान सोच सकता है कि क्या बो रहा है, कोई अच्छी चीज बो रहा है या कोई झाड़ियां और कांटे बो रहा है, आखिर क्या बो रहा है? और जो चीज इंसान बो रहा है, जिसकी काश्त कर रहा है, फिर उसे धोखे में नहीं रहना चाहिए, फिर तवक्को यही रखनी चाहिए कि जो कुछ मैं बो रहा हूं फिर काटना भी वही पड़ेगा, और उस काटने का जो सिलसिला है वो काटने का सिलसिला दुनिया से शुरू हो जाता है। दुनिया के अंदर मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां अल्लाह के मकबूल बंदों पर भी आती हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी परेशानियां आई, बीमारियां आई, लेकिन वो चीज उनके रफाए दराजात के लिए होती है। अल्लाह वालों पर भी मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, वो चीज उनके रफाए दराजात के लिए होती है। और बहुत से लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी कफारा सय्यात के लिए होती है कि अल्लाह उस बीमारी, उस परेशानी की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफारा कर देता है और अल्लाह उसे कुछ जन्नत का दर्जा देना चाहता है। उस बीमारी मुसीबत पे वो सब्र करता है तो अल्लाह जन्नत का बुलंद दर्जा भी अता फरमा देता है। तो हर एक की हालत यकसा नहीं होती, हालतों का फर्क होता है। बज़ाहिर देखने में
सब एक जैसे नजर आते हैं लेकिन हालतों का फर्क होता है, हालतों में तफावत होता है। लेकिन आम बात यही है कि जो इज्तिमाई तौर पर जो हमें नक्शा नजर आता है, जो हालात नजर आते हैं और जिसका रोना भी हम रोते हैं और वो किसी से पोशीदा भी नहीं, उसका सबब वही है जो अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमाते हैं कि ये तुम्हारे करतूतों की वजह से है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। अब कैफियत ये है कि हम मुसीबत और परेशानी से निकलना भी चाहते हैं और हम बरकत हासिल करना भी चाहते हैं, लेकिन उसके हुसूल का जो सबब और जरिया है उसको इख्तियार नहीं करते, तो फिर कैसे इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। एक आदमी कहीं सफर पे जाता है तो सफर पे जब जाता है तो उसके उस रास्ते को, उसकी सवारी को वो इख्तियार करता है। अगर उस वसीले को, उस जरिए को इख्तियार ना करे तो कैसे मंजिल पर पहुंचेगा? निरी तमन्ना करने से तो नहीं पहुंचेगा। उस वसीले को, उस जरिए को इख्तियार करना होगा, उस सवारी को इख्तियार करना होगा, उस रास्ते पर उस सवारी को डालना होगा, जब जाके मंजिल पर पहुंचेगा। ऐसे मंजिल नहीं मिला करती। आज मंजिल भी पाना चाहते हैं लेकिन को मशक्कत भी बर्दाश्त करना नहीं चाहते। अरे भाई, नेकी के करने में भी मशक्कत है और गुनाह से बचने में भी मशक्कत है, लेकिन इस मशक्कत का जो अजर है, इस मशक्कत का अजर अल्लाह के यहां बहुत ज्यादा है और वो अजर इंसान के तसव्वुर से भी ज्यादा है कि जो नेकी के लिए मशक्कत को बर्दाश्त करे और जो गुनाह से बचने में मशक्कत को बर्दाश्त करे, अल्लाह के यहां इसका अजर बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके लिए तो हम आमादा नहीं और उम्मीद ये रखते हैं कि जन्नत मिलेगी, इनामात जन्नत मिलेंगे। तो आज सबसे बड़ी जो रुकावट है बेबरकती के असबाब में, जो सबसे बड़ी चीज है आज, वो हमारे गुनाह है। कि एक तरफ अल्लाह ने रजब का महीना अता फरमा दिया, बरकत वाला महीना, वही महीना के जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज जिस्मानी का शर्फ अता फरमाया और उस मेराज से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की मेराज लेकर आए, ये पांच वक्त की नमाज लेकर आए। इस नमाज में उम्मत की मेराज है। और आज हम मेराज भी चाहते हैं कि बुलंदी मिल जाए, मेराज हासिल हो जाए, लेकिन पांच वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करते और सोचते हैं कि मेराज मिल जाए। कैसे मिल जाएगी? कि काम तो पस्ती वाले करें और हासिल मेराज करना चाहें तो मेराज कैसे हासिल हो सकती है? फिर वही बात आती है कि जब तक इंसान अपने आप को आमाल के लिए, मशक्कत के लिए आमादा नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, उस वक्त तक वो तरक्की से रह जाता है, वो तरक्की नहीं कर सकता। एक तरफ तो नफसानी तकाजे और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील कि जिसको चाहा घूर लिया, जिसको चाहा तक लिया, शहवात और लज्जात के पीछे भाग लिए, नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया और फिर कहते हैं बरकत भी हासिल हो जाए। कैसे बरकत हासिल होगी? अरे भाई, एक आदमी जहर खा रहा है तो जहर खाने का अंजाम तो मौत है, भला जहर खा के शिफा कैसे मिलने वाली है? तो इसी तरह गुनाह करके बरकत कैसे मिलेगी? गुनाह की मिसाल तो जहर की है कि जहर खाकर चाहे कि बरकत हासिल हो जाए, गुनाह करके बरकत हासिल हो जाए, तो गुनाह करके बरकत कैसे हासिल हो सकती है? याद रखिए कि कभी भी हासिल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ने हमें आगाह किया, किसी धोखे में ना रहो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, जिन हालात और वाकयात से तुम गुजर रहे हो, फबिमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने करतूतों के सबब है। तुम अपनी हालत को दुरुस्त कर लो, अल्लाह तुम्हारी हालत को दुरुस्त कर देगा, लेकिन अपनी हालत को दुरुस्त करने के लिए अपने आप को बदलना होगा। और ये बात मैं गुज़िश्ता जुमों में भी अर्ज करता रहा कि तब्दीली का जो आगाज होता है वो इंसान की अपनी जात से होता है, वो दूसरों से नहीं होता। आज हम दूसरों को दुरुस्त करना चाहते हैं, आज दूसरों की गलतियां हम ढूंढते फिरते हैं, आज दूसरों के अंदर ऐब निकालते फिरते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि हम कितने ऐबों का पलंदा है,
हम कितनी खराबियों का मजमुआ। तो जब दूसरों की फिक्र है और अपने आप से गाफिल है तो फिर भला अपने मर्ज की को शिफा कैसे मिलेगी, कभी मिलने वाली नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया कि जो हालत तुम्हारे साथ है, जिन हालात और वाकयात से गुजर रहे हो, अरे तुम्हारे अपने करतूतों के सबब है। तुम अपनी हालत को दुरुस्त कर लो, अल्लाह तुम्हारी हालत को बदल देगा। और आगे एक बात और फरमाई, वह याफू अन कसीर, कि अल्लाह तो अक्सर दरगुजर करता है, दरगुजर करता है, क्योंकि अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह के गजब पे गालिब है। इसलिए अल्लाह अक्सर दरगुजर करता है, ढील दे देता है, मोहलत दे देता है। अब उधर से मोहलत मिलती है, ढील मिलती है, और ये गुनाह के अंदर और सरकश हो जाता है और इसकी बगावत बढ़ जाती है। ये सोचता है कि मेरे गुनाह करने से कुछ भी नहीं हुआ, मुझ पर तो कोई पकड़ नहीं आई, कोई कोड़ा नहीं लगा, कोई हंटर नहीं लगा, किसी ने वो डंडे नहीं बरसाए। अरे भाई, अल्लाह की ढील है और तू अल्लाह की उस ढील का नाजायज फायदा उठा रहा है। फिर जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर अल्लाह की पकड़ ऐसी आती है, फिर इंसान को कोई बचा भी नहीं सकता। ये तो अल्लाह इसलिए मोहलत देता है कि शायद ये बंदा नादिम हो जाए, पशिमान हो जाए, शायद ये बंदा तौबा कर ले, मैं इसकी खता को माफ कर दूं। तो अल्लाह तो इसलिए मोहलत देता है कि इससे दरगुजर करो, शायद ये तौबा कर ले, शायद सही रास्ते पर आ जाए। और ये समझता है कि नहीं, गुनाह करके कुछ भी नहीं होता। अरे गुनाह पर गुनाह करके यही तो सबसे बड़ी सजा है कि एक गुनाह के बाद फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर तीसरा गुनाह करता है, इससे बड़ी और क्या सजा होगी कि जिंदगी मालिक की नाफरमानियों में गुजर रही है। गुनाह के बाद गुनाह, गुनाह के बाद गुनाह, इससे बढ़कर और क्या सजा हो सकती है कि जिंदगी के वो औकात, वो लम्हात जो अल्लाह की याद और नेकी के साथ गुजरने चाहिए थे, इताअत और फरमाबरदारी में गुजरने चाहिए थे, वो लम्हात जिंदगी मासियत में गुजर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या सजा होगी कि जिंदगी का जो कीमती सरमाया, एक एक लम्हा, एक एक सांस कीमती है, और एक एक लम्हा, एक एक सांस ऐसा है इसका कोई बदल भी नहीं है, और वो गुनाहों के अंदर जाया हो रहे हैं, कितना कीमती सरमाया। तो भला इससे बढ़कर और क्या सजा होगी कि जिंदगी का सरमाया, जिंदगी की पूंजी इसकी गफलतों के अंदर जा रही है, फिर क़यामत में अल्लाह के पास क्या लेके जाएगा, किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़ा होगा। एक हदीस मुबारका में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खराबियों को बयान फरमाया कि वो खराबियां जिसकी वजह से आफात व बलियात आती हैं, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, और फिर देखते ही देखते बस्तियां उजड़ जाती हैं। अभी चंद महीने पहले सब कुछ हो गुजरा ना, कि कैसी कैसी आबादियां वीरानों के अंदर बदल गई, सब हस्ती से मिट गई। पानी भी अल्लाह की मखलूक है और ये सब चीजें अल्लाह के हुक्म से काम करती हैं, लेकिन कैसी बारिश, कैसा सैलाब कि बस्तियों की बस्तियों को मिटा दिया, नामो निशान खत्म कर दिया। ऐसा लगता था कि यहां पर कोई रहने वाले नहीं थे, वो इबरत के नमूने बन गए, वो आबादियां, वो बस्तियां बर्बादी का नमूना बन गई। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खराबियों को बयान फरमाया कि जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की नाराजगी आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को जाती दौलत करार दिया जाने लगे, माले गनीमत इज्तिमाई माल को कहते हैं जो लोगों के इज्तिमाई वफाद के लिए होता है, हुकूमत का खजाना लोग उस मुल्क की आवाम के लिए होता है, किसी इदारे के पास अगर कोई अमानत है वो इदारे को चलाने के लिए होती है, लेकिन जब उसे अपनी जाती मिल्क तसव्वुर किया जाने लगे और जाती मिल्क समझकर उस पर तसर्रुफ किया जाने लगे, तो ये अलामत इस बात की है कि अब अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी। और आप देख लीजिए,
कि हमारे इस मुल्क में आज सरकारी वसाइल के साथ क्या कुछ हो रहा है कि अब लाखों और करोड़ों की कहानी नहीं, अब तो अरबों की कहानी है कि ये हुक्मरान आते हैं, मुल्क पर मुसल्लत होते हैं और अरबों की करप्शन करके ये निकल जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं होता। वही बात कि उस सरकारी वसाइल को, उस माले गनीमत को जो कौम की किस्मत बदलने के लिए था, कौम की हालत बदलने के लिए था, जो उनको तालीम देने के लिए था, जो उनके इलाज मुआलजे के लिए था, जो सड़कें और महल्ले बनाने के लिए था, वो सारा का सारा इनकी जाती जेब में चला जाता है। किस तरह? करप्शन करके चला जाता है। तो पहली बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब माले गनीमत को जाती दौलत करार दिया जाने लगे, और दूसरी बात आपने फरमाई कि जब जकात को तावान और बोझ समझा जाने लगे। आप देख लें, आज यही कैफियत है कि फजूलियात और लघवियात में इंसान लाखों खर्च कर देता है। कोई शादी की तकरीब आ जाए तो ना मालूम कहां से दौलत की गिरह खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमाइश है, उसमें दिखलावा है, उसमें शोहरत है, नामो नमूद है। कर्ज लेकर भी काम करते नहीं जी, शादी तो कभी कभी होती है। और अगर अल्लाह के नाम पे खर्च करने का मामला है, अपने माल की जकात अदा करने का मामला आए, तो अच्छे अच्छे लोग बखील हो जाते हैं। खवातीन के पास सोने के जेवरात होते हैं और उस सोने के जेवरात की वो जकात अदा नहीं करती और कहती जी हम कौन सा कमाते हैं। अरे भाई, अगर तुम नहीं कमाती हो, इस सोने को बेचो, इसमें से जकात अदा करो। लेकिन जकात तो अदा करनी है ना, कि अल्लाह ने उस माल का 40वां हिस्सा, जिसे एक साल तक तुम बरत चुके हो, तो 40वां हिस्सा अल्लाह ने गुरबा और मसाकीन के लिए रखा है, फुकरा के लिए रखा है, तुम उसके मालिक नहीं हो। लेकिन खवातीन जेवरों की जकात नहीं देती, और अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि इसी सोने और चांदी की तख्तियां बनाई जाएंगी और इसे जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और इनके पहलुओं को दागा जाएगा और फिर कहा जाएगा ये तुम्हारा माल है, जिस माल पर तुम सांप बनकर बैठे थे, जिस माल की तुम ज़कात अदा नहीं करते थे, ये तुम्हारा माल है। तो ज़कात को तावान समझा जाने लगे, बोझ समझा जाने लगे। अरे उसे तो शौक से अदा करना चाहिए, क्योंकि वो ज़कात क्या है? वो ज़कात आपके माल का मैल है। और जब किसी को आदमी वो ज़कात की रकम दे, किसी की मदद करे, तो उस पर एहसान समझ के ना दे, उस पर एहसान ना करे, बल्कि उसका एहसान समझे कि इसका एहसान है कि ये मेरे माल के मैल को कबूल कर रहा है, इसका एहसान है, मेरा कोई एहसान नहीं। अगर ये कबूल ना करता, मैं किसको जाके देता, कहां पर अपनी ज़कात को अदा करता? आज तो लोग एहसान करते हैं, किसी इदारे को दिया, किसी गरीब को दिया, अब उसके बाद एहसान जताने लगते हैं, हम तो इतनी मदद करते हैं। तो याद रखिए कि आपकी मदद से वो इदारे नहीं चलते, अल्लाह की मदद से वो चलते हैं। अपने लिए बाइस से सआदत ये बात समझनी चाहिए कि वो दीन का काम, वो इदारा तो चलता रहेगा, लेकिन अगर हमारा हिस्सा उसके अंदर लग गया तो हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा, तो हमारा किस बात का एहसान है? तो आज लोग फजूल खर्ची को बोझ नहीं समझते, नमाइश को बोझ नहीं समझते, लेकिन जकात अदा करने को बोझ समझते हैं। और कितने लोग हैं कि वो साल के अंदर पूरा हिसाब लगाकर पूरी पूरी जकात अदा करते हो? अक्सर ऐसा नहीं है, अक्सर ये कि जब रमजान का महीना आया और थोड़ा बहुत सदका खैरात कर दिया और कहा जी बस हमारी जकात अदा हो गई और एक साल के लिए फारिग हो गए। तो दूसरी बात ये फरमाई, और तीसरी बात ये फरमाई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सीखा जाए, यानी इल्म इसलिए सीखा जाए लोगों में बड़ा बनने के लिए, अपनी बड़ाई जतलाने के लिए, तो फिर ये इल्म जो है उसके लिए, ये इल्म जो है इज्जत की चीज नहीं है, क्योंकि वो इससे कोई गलत फायदा उठाना चाहता है। ये इल्म तो इसलिए है कि इस इल्म पर खुद भी अमल करे और अल्लाह की मखलूक तक दीन के पैगाम को पहुंचाए। और चौथी बात ये फरमाई कि जब मर्द
बीवी की इताहत और मां की नाफरमानी करने लगे। शरीयत ने हर एक के हुकूक रखे हैं, मां का हक अलग है, बीवी का हक अलग है। अब बहुत जगह ये होता है कि आदमी मां के हक में इतना आगे चला जाता है कि बीवी की हक तलफी करता है, तो ये भी जालिम है। और कभी ऐसा होता है कि बीवी की इतनी ज्यादा तरफदारी करता है कि मां की हक तलफी करता है, ये भी जालिम है। दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। शरीयत बैलेंस बताती है कि मर्द के लिए मां का दर्जा ज्यादा और औरत के लिए शौहर का दर्जा ज्यादा है, लेकिन दोनों को एहतदाल में रखो। ये नहीं है कि मां ने कान में कुछ कहा तो बीवी से लड़ बैठे, बीवी ने कान में कुछ कहा तो मां से लड़ लिए। अरे अपनी अकल अपनी दानिश कहां गई? कुछ तो बैलेंस करना आना चाहिए ना बातों को, कि उधर की भी सुन ले उधर की भी सुन ले, उसके बाद खुद फैसला करे। कभी जज्बात में नहीं आना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, वरना घर बिगड़ जाते हैं, मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, दोनों के हक को अदा करना चाहिए, मां को मां के रुतबे पर रखना चाहिए और बीवी को बीवी के रुतबे पर रखना चाहिए। ना मां की वजह से बीवी के साथ ज्यादती करे और ना बीवी की वजह से मां के साथ ज्यादती करे। तो चौथी बात यह फरमाई कि जब मर्द बीवी की इताअत और मां की नाफरमानी करने लगे। और पांचवी बात यह फरमाई कि जब बुरे दोस्तों को करीब और बाप को दूर किया जाने लगे। और आज इस जमाने में यही नजर आता है कि आज लोग यारियां दोस्तियां तो बड़ी निभाते हैं, लेकिन आज मां बाप के साथ निभाने के लिए कोई तैयार नहीं है, आज मां बाप की खिदमत करने के लिए कोई तैयार नहीं है, आज मां बाप को बोझ समझा जाता है। और यारियां दोस्तियां कि रात के 3 बजे भी जाकर देखो तो चाय के ढाबे पर लोग बैठे हुए हैं इतनी सर्दी के अंदर भी, और घर में बूढ़े मां बाप पड़े हैं, उन्हें खिदमत की जरूरत है, उन्हें कोई दवा दारू की जरूरत है। अरे दो बोल मोहब्बत के बैठकर उनके पास बातें कर लो, उनका दिल कितना ठंडा होगा, कितनी उनकी उनको उनकी दुआ मिलेगी। लेकिन मां बाप की दिलजोई के लिए वक्त नहीं है। अगर वक्त है तो फजूल घूमने के लिए वक्त है, और फजूल जो है दोस्तियां निभाने के लिए वक्त है। तो ये भी अलामत इस बात की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब बुरे दोस्तों को करीब और बाप को दूर किया जाने लगे। और छठी बात यह फरमाई कि जब मस्जिद में शोर और गुल मचाया जाने लगे। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस घर का एक तकद्दस है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस घर के तकद्दस को लोग पामाल कर रहे हैं। मस्जिद के अंदर बुलंद आवाज से बातें करना, मस्जिद में आकर दुनिया की बातें करना, अरे भैया मस्जिद में आने का मकसद तो अल्लाह की याद है कि यह आते कितनी देर के लिए हो, और यहां आने के बाद भी बातें नहीं जाती। अक्सर यह होता है कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगली सफे खाली है, लेकिन लोग पीछे बैठना पसंद करते हैं। किस लिए पसंद करते हैं? कि पीछे बैठ के बातें करते हैं, जबकि आगे की सफों की फजीलत कितनी है, कि जुमे के दिन आगे की पहली सफ की फजीलत क्या है। और हदीस में यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली सफ की फजीलत अगर लोगों को पता चल जाए तो पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए लोग कुरानदाजी करें। इस पहली सफ की फजीलत इतनी है, लेकिन सफे आगे की खाली है, पीछे बैठे किस लिए? बातें करनी है। तो मस्जिद में शोर और गुल करना, मस्जिद में दुनिया की बातें करना, याद रखिए इससे भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मस्जिद अल्लाह की याद के लिए है, और जब यहां पर आए भाई जिक्रुल्लाह में लग जाए। अगर कोई मकरूह वक्त नहीं है तो तहय्यतुल मस्जिद पढ़े, नमाज से पहले सुन्नतों का वक्त है सुन्नतें अदा करें, और अगर इतना भी वक्त नहीं है तो हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे। हदीस में आता है कि अजान और इकामत के माबेन जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, कि अजान हो चुकी है अब इकामत का इंतजार है, इसके दरमियान जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। तो ये तो दुआ की कबूलियत का मौका है, और ये मस्जिद में बातें कर रहा। इस सातवीं बात ये फरमाई कि जब कौम और जमात की क्यादत फासिक लोग करने लगे, बुरे लोग कौम के सरदार बन जाए। किसी जमात की क्यादत, किसी मुल्क की क्यादत, किसी कौम की क्यादत फासिक लोग करने लगे, तो यह भी बर्बादी की अलामत कि भाई क्यादत और सियादत जो है इस पर तो आला हसब नसब के लोग होने चाहिए, शराफत और करामत वाले लोग होने चाहिए, लेकिन यहां का तो दस्तूर उल्टा है।
कि शरीफ आदमी तो यहां इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, शरीफ आदमी तो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, तो गरीब आदमी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कौम के जो बुरे लोग हैं आज वो सियासत के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि कोई आदमी आगे जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। और वो कौम के जो बुरे लोग हैं जब वो इस क़यादत को पर जाते हैं तो नतीजा वही बदउनवानी और करप्शन होती है कि कौम की जो अमानत है, माल गनीमत है, उसे जाती दौलत समझने लगते हैं। तो उनका इस इख्तदार के ऐवानों के अंदर जाना वो किसी कौम की भलाई के लिए नहीं होता। ये तो अवाम धोखे के अंदर आते हैं। अवाम समझते हैं कि हमारा लीडर जो है बड़ा हमारा खैरख्वाह है, और ये लीडर जब पार्लियामेंट में जाएगा तो ये तो हमारी किस्मत को बदल देगा। तो याद रखिए कि वो अपनी किस्मत बदलने के लिए जाते हैं, वो अवाम की किस्मत बदलने के लिए नहीं जाते। अवाम को तो धोखा देते हैं। तो ये भी एक अलामत बर्बादी की है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और आठवीं बात ये इरशाद फरमाई कि जब कौम के कमीने लोग उसके लीडर और सरबराह बनने लगे। आप देख लीजिए कि इख्तदार के ऐवानों में और बड़े बड़े मनसब और ओहदे रखने वाले वो कौन है? वो बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जागीरदार कि जिनके इलाकों के अंदर अपनी हुकूमतें कायम कर रखी हैं जुल्म के जरिए से, बर्बरियत के जरिए से, तशद्दुद के जरिए से। और फरमाया दसवीं बात ये फरमाई कि जब लोगों में गाने वालियों और साज और बाजों का दौर दौरा होने लगे, ये गाने वालियां बाजे और ये आम हो जाएं। और आज ये लानत आम है। किस तरह से आम है? आज घर घर में केबिल का कनेक्शन मौजूद है, बड़े शौक से केबिल का कनेक्शन लगवाते हैं और वक्त से पहले महीने की फीस भी भर देते हैं, एडवांस फीस भर देते हैं। और कोई मस्जिद मदरसे का मामला आए, कोई कहे जी मस्जिद के अंदर महंगाई हो गई, बिजली का बिल जो है वो बढ़ गया, इमाम मोहसिन की तनख्वाहें बढ़ानी है, तो भाई थोड़ी रसीद को बढ़ा दो। कहते जी गुंजाइश नहीं है, इसके लिए गुंजाइश नहीं है। कि जो आखिरत में काम आने वाला पैसा है उसके लिए तो गुंजाइश नहीं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह में खर्च करने की गुंजाइश है। कि वो नाचने वाली हदीस में आता ना कि अलामात क़यामत में से ये भी बताया गया कि वो नाचने वाली एक जगह पर नाचेगी और दुनिया में उसे देखा जाएगा। आज वही इस टेलीविजन के जरिए से, इस केबल के जरिए से, आज इस सोशल मीडिया के जरिए से वो नाचने वाली ना मालूम कहां नाच रही है और पूरी दुनिया के अंदर उसे देखा जा रहा है। तो जब इन चीजों का दौर दौरा हो जाए, और आज के घरों के अंदर मैं बार बार ये बात अर्ज किया करता हूं कि आज जब घर बनाते हैं उसमें कभी ये तसव्वुर नहीं होता कि इस घर के अंदर कोई एक कमरा बनाए जो नमाज के लिए हो, जो तिलावत और जिक्र के लिए हो। लेकिन घर के हर कमरे की दीवार पर LCD जरूर लग जाती है, केबल का कनेक्शन जरूर आ जाता है। इससे अपनी जहनी पस्ती का पता चलता है कि हमारे जहनों की गिरावट का क्या आलम है। कि नाच गाने को तो घर में पसंद करते हैं, नाचने वालियों को तो पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कोई कमरा घर में मखसूस नहीं करते कि उस कमरे का माहौल ऐसा बना दिया जाए कि भाई इस कमरे में बैठकर हमने अल्लाह अल्लाह करनी है, नमाजें और तिलावत करनी है, उसके लिए कोई फिक्र नहीं। किस घर के अंदर आज ये चीज मौजूद है? तो ये भी एक बर्बादी की अलामत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जब लोगों में गाने वालियों और साज बाजों का दौर दौरा होने लगे। और आज ये गाना बाजा आम हो चुका है, और ये गाना बाजा कोई आम चीज नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मौसीकी है जिसे कानों में एयरफोन लगाकर भी सुनते हैं, आपने फरमाया कि जैसे पानी सब्जे को उगाता है इस तरह से ये ईमान के अंदर निफाक पैदा करता है। ये गाना बाजा, ये मौसीकी, इसे बड़े शौक से सुना जाता है। और फिर आज जो बेबरकती का रोना रोते हैं, तो याद रखिए कि ये गाना बाजा, ये मौसीकी एक नजिस और नापाक चीज है। और ये नजिस और नापाक चीज किसकी गिजा है? शयातीन की गिजा है। और अल्लाह का जो जिक्र है फरिश्तों की गिजा है। तो जहां पर कुरान मजीद की तिलावत होगी, अल्लाह का जिक्र होगा, वहां पर फरिश्तों का नुजूल होगा, और जहां पर मलाइका का नुजूल होगा वहां पर खैर व बरकत होगी। और जहां पर ये गाना बाजा और ये मौसीकी होगी, फिर वहां पर शयातीन आएंगे, क्योंकि उनकी ये गिजा है, ये नजिस और नापाक चीज है। और जहां पर वो शयातीन का डेरा होगा,
फिर वहां पे रहमत और बरकत नहीं होगी, फिर वहां पे बेबरकती होगी, वहां पे इख्तलाफ होगा, वहां पे आपस में फसाद होगा, नाचाकी होगी। और आज घर घर के अंदर ये नजर आती है, उसके कुछ असबाब है। ये घरों के अंदर ये लड़ाई झगड़े फसाद ये ऐसे ही नहीं है, उसके कुछ उसका कुछ सबब है कि जब हर कमरे के अंदर गाना बाजा मौसीकी मौजूद है। और याद रखिए कि अल्लाह का जो जिक्र है इससे दिलों में इत्मीनान आता है, इंसान के रूह की परवरिश होती है, उसके कल्ब को गिजा मिलती है। लेकिन ये गाना बाजा मौसीकी, आज तो मेडिकल साइंस भी ये कहती है, इससे जहन में इंतशार पैदा होता है, इंतशार पैदा होता है। और जब इंतशार आता है तो फिर लड़ाई झगड़े और फसाद होता है, फिर वहां पे मोहब्बतें नहीं होती, वहां पे इंतशार होता है। और ग्यारहवीं बात ये फरमाई कि जब शराबें पी जाने लगे, आम तरीके से शराबें पी जाने लगे, उस शराब को उस जिना को अमरे मुबाह की तरह किया जाने लगे, तो फरमाया कि यह भी बर्बादी की अलामत है। और आज ये कैफियत है कि आज शराब, छोटी छोटी उम्र के बच्चे आज शराब में लगे हुए हैं, नशे में लगे हुए हैं, और ऐसे ऐसे नासूर महलों के अंदर मौजूद है। खुदा ऐसे लोगों को बर्बाद करे कि जो नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद करे कि जो आज इस रास्ते पर नौजवानों को लगाने वाले हैं, मुनशियात को बेचने वाले। याद रखिए कि मुआशरे के ये नासूर हैं। कोई उनसे पूछे क्या तुम अपनी औलाद के लिए पसंद करते हो कि तुम्हारी औलाद इस नासूर में मुब्तला हो, तो फिर दूसरों के बच्चों को इस लानत के अंदर क्यों मुब्तला करते हो। आज स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, आज वहां पर नशा और मुनशियात आम हो चुकी है कि नौजवान बच्चे बच्चियां आज नशे की लत के अंदर मुब्तला है, फिर जहां पर इज्जत और आबरू भी नहीं बचती। तो यह भी बर्बादी की अलामत है कि जब ये शराब आम हो जाए। और उम्मत के बाद वाले लोग, फरमाया कि अगले लोगों पर लानत करने लगे, यदि हम अच्छे पिछले बुरे थे, उन पर लानत करने लगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये सारी अलामतें जाहिर हो जाएं, ये अलामतें मौजूद हों, आपने फरमाया कि उस वक्त इंतजार करो। किस चीज का इंतजार करो? फरमाया कि सुर्ख आंधी का, यानी शदीद तरीन तूफान का, और जलजले का, और जमीन में धस जाने का, और शक्लों के मस्ख हो जाने का, चेहरों के बिगड़ जाने का, और पत्थरों के बरसने का। और फरमाया कि इन चीजों के अलावा दीगर चीजें जो अलामात क़यामत में से हैं, फरमाया कि फिर तुम उसका इंतजार करो कि लगातार इस तरह से वो चीजें आएंगी कि जिस तरह तस्बीह का अगर धागा टूट जाए तो धागा टूटने के बाद तस्बीह के दाने पे दर पे गिरा करते हैं, इस तरह से वो फितने आएंगे और फसाद आएगा। और आज ये बातें जो अर्ज की गई हैं, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, आज हमारे मुआशरे के अंदर यह आम है। तो जाहिर है कि जब इस बर्बादी के सामान के अंदर हम मुब्तला हैं, तो भाई बर्बादी से आबादी कैसे आएगी? जब तक इस बर्बादी को नहीं छोड़ेंगे, इन बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक आबादी आने वाली नहीं है। और ये महीना रजब का महीना, ये बरकत वाला महीना है। हमें इस महीने की बरकत को हासिल करने के लिए दो काम करने चाहिए। पहली चीज यह है, इम्तिसाल अम्र है कि आदमी अगर बरकत हासिल करना चाहता है वो नेकी का एहतमाम करे, क्योंकि जमाना बरकत वाला है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम की बरकत का सवाल किया है, तो नेकी का एहतमाम करे, नेकी के जरिए से बरकत आती है। और दूसरी बात जो इससे ज्यादा अहम है, इज्तिनाब मासी है, यानी गुनाहों का तर्क करना है, गुनाहों को छोड़ना है, कि जिस एतबार से जो गुनाह जिंदगी के अंदर है उन गुनाहों को हमें छोड़ देना चाहिए। तो फिर ये रास्ता है रहमत और बरकत के आने का। और ये मुबारक जमाना है, जिस मुबारक जमाने से मैं और आप गुजर रहे हैं, इसलिए ये बरकत के अय्याम की बरकतें अल्लाह से मांगनी भी चाहिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ये अल्लाह रजब और शाबान की बरकतें हमें नसीब फरमा और हमें माह रमजान तक पहुंचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में बता दिया कि एक इश्तियाक रमजान को जाहिर किया कि रजब के महीने से रमजान में पहुंचने की दुआ की, और दूसरे ये भी बता दिया कि रमजान तो क्यामत तक आता रहेगा, लेकिन हम रमजान में होंगे या नहीं होंगे ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन अभी से इस बात की तमन्ना करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए,
या अल्लाह तू हमें रमजान तक पहुंचा और इन अय्याम की बरकतें हमें नसीब फरमा, तो भाई अल्लाह से बरकत का सवाल करना चाहिए। अल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर बरकतें अता फरमाए, और बेबरकती के जो असबाब हैं अल्लाह उन असबाब से हमारा पीछा छुड़ा दे, उन असबाब के तर्क की अल्लाह हिम्मत दे दे और नेकियों का एहतमाम करने वाला बनाए। वाखिर दावाना।